अर्थी निकाले हुए हैं उपचुनाव, ठीक है। देखिए मैं अर्थी बाबा राजन यादव गोरखपुर का रहने वाला, आज देवरिया के उपचुनाव में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और अर्थी पे मैं इसलिए आया हूँ, ये व्यवस्था की अर्थी है, ये लोकतंत्र की अर्थी, ये भ्रष्टाचार की अर्थी है। आज हमारे देश में नेता सिर्फ धन दौलत कमाने के लिए चुनाव में उतरे हैं, हम MBA करके जनता के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पे 5 चीनी मिल थी, 5 चीनी मिल में सिर्फ 1 चीनी मिल चलती है, वो भी बकाया टाइम से नहीं देती है, 4 चीनी मिल बंद है। ये देवराहवा बाबा की धरती पर मैं आज अर्थी बाबा लड़ने आया हूँ ताकि यहाँ के लोगों का विकास हो सके। देवरिया में यहाँ पे कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो देवरिया के मुद्दों को उठाता रहे। आज मैं यहाँ देवरिया को चुनाव को लड़ के जीत के यहाँ देवरिया के मैं पूरी के पूरा विकास करूँगा, पूरी चीनी मिल चालू कराऊँगा, यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज लेट हो रहा है उसको भी चालू करवाऊँगा, यहाँ के जो पशुपालन के विभाग है, जो भी जितने अस्पताल है पशुओं के सारे जर्जर हैं, यहाँ के कोई क्षेत्र में काम नहीं होता, ना अच्छे स्कूल है ना कॉलेज है, कुछ भी नहीं है। देवराहवा बाबा के इस तरह क्यों जा रहे हैं आज, क्या करने जा रहे हैं? आज मैं ये अर्थी पे मैं नाम पर्चा लेने जा रहा हूँ, और देखिए अर्थी पे इसलिए जा रहा हूँ कि भ्रष्ट नेताओं की ये अर्थी है। देखिए हम यहाँ चुनाव इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि अभी देखिए बहन जी का मेन नारा था कि जनेऊ हटाओ आरक्षण लाओ, तो अब तो उनका मुद्दा खत्म हो गया है, उन्होंने विरोधी पार्टी खड़ा करके उनका तो सारा मुद्दा खत्म हो गया है, और बाकी सारी लड़ाई भाजपा से है मेरी, और मैं यह चुनाव जीत रहा हूँ, बाकी राम नाम सत्य। जी बताइए, आप एक महिला वोटर का पैर धो रहे थे, इसकी क्या वजह है, क्यों पैर धो रहे थे? कौन हैं आप? देवरिया उपचुनाव से मैं प्रत्याशी हूँ राजन यादव और पार्थी बाबा MBA। मैं महिला का पैर धो रहा हूँ, मैं बुजुर्गों का पैर धो रहा हूँ, बुजुर्ग महिलाओं, कारण ये है कि जो हमारे वोटर हैं इस समय वही हमारे सिलेक्शन करते हैं, वो हमारे देवतुल्य हैं, हमारे लिए भगवान हैं, क्योंकि आज उन्हीं की वोट से हम चुनाव जीत के बंगला पाएंगे, वेतन पाएंगे, सारी कुछ पाएंगे, तो वो हमारे लिए इस समय भगवान हैं, इसीलिए मैं उनको भगवान समझ के उनका पैर धो रहा हूँ, उनके पैरों के चप्पल साफ कर रहा हूँ, जूता में पॉलिश लगा रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो भी वोटर हैं, चाहे वो बढ़ई हो चाहे लोहार हो, उनके साथ हाथ बढ़ा रहा हूँ ताकि इससे मुझे वो लगे कि भगवान भी हमें आशीर्वाद दें, हम इनको ये भगवान के ही रूप में देख रहा हूँ, और इसीलिए मैं ये चुनाव प्रचार इस तरह ढंग से कर रहा हूँ। क्यों चुनाव इसीलिए जीते हैं कि आपको बंगला और गाड़ी मिले? देखिए बंगला और गाड़ी हमेशा ये हर विधानसभा में सबको मालूम है मिलता है, इसलिए मैं सभी वोटरों को भी बता रहा हूँ ताकि इनको मालूम चल रहा है कि क्यों ये इतना पैसा फूंक रहे हैं बड़े बड़े प्रत्याशी, ताकि ये सिर्फ बंगले की लड़ाई है ना कि इनकी कोई और लड़ाई है।